मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे के निर्माण के दौरान चेंबूर पांजरा पुल के हजारों झोपड़े तोड़े गए थे और इन सभी विस्थापितों को मकान देने का वादा किया गया था। कईयों को तो मिल भी गया, लेकिन लगभग 2000 झोपड़ावासी 7-8 साल बीत जाने के बावजूद आज भी बेघर की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें घर नहीं मिला है। ये लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार ने इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। इन आश्वासनों से परेशान ये बेघर लोग एक बार फिर चेंबूर पांजरा पोल स्थित शिवाजी महाराज चौक के पास आंदोलन पर बैठ गए हैं। इस बार इन्होंने ठान लिया है कि मरते दम तक यहीं बैठे रहेंगे। देखिए ऐसा कि सरकार इतनी घटिया काम हम लोग साथ कर रही है। एमएमआरडीए के अधिकारी और सरकार मिल करके हम लोग साथ घोर अन्याय हो रहा है। मेरे ख्याल से 5वां उपोषण है, अधिवेशन तक चर्चा हुई, ये सभी जानते हैं। अनिक पांजरा पोल जोड़ रास्ता में जो भी घर सर्वे हुए, पात्र हुआ अपात्र हुआ, कुछ दिए गए कुछ नहीं दिए गए, कुछ बिना नंबर तोड़ा गया बिना नोटिस दे तोड़ा गया, ये हम मानते हैं घर दिया गया। सरकार का क्या कहना था कि इनके घर को सर्वे करके इनके घर के बदले घर दे दिया जाए, इनको घर का सामान जहां दिया जाएगा वहां तक पैसा दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये अपने सामान को अपने पैसे नहीं ले जाएं, लेकिन एमआरडीए के अधिकारी लोग ऐसा किए नहीं। पात्रता निश्चित हुआ, पात्रता निश्चित होने के बाद कुछ घर दिए गए और कुछ घर नहीं दिए गए। सरकार के नियम से कानून जो बना था उसमें कुछ घर अपात्र हुए, अपात्र को नहीं दिया गया, पात्र दिया गया। इसके बाद जो अब सर्विस रोड बनाना इनको हुआ, ये लोग सरकारी कर्मचारी आए कुछ घर सर्वे किए। जैसे एक कलेक्टर थे जिनका नाम था धनंजय सावलकर, उप तहसीलदार जो नायब तहसीलदार एक लेडीज थी मैडम शिंदे, उसको मैं एक अर्जी दिया कि हमारे घरों को सर्वे करो, नंबर डालो, नंबर डालने के बाद हमारा घर तोड़ दो पात्र करके। तो लोग आए जो बोले कि हमारे नक्शे में नहीं है, हम नंबर नहीं डालेंगे। जो नंबर डाला गया था, जो कहीं बीच में छूटा था, वह नंबर डाल के चले गए। इनको सर्विस रोड बनाना था, इनको रोड का काम जल्दी से देना था। हमारे लोगों को, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको आश्वासन में ले करके, इनको विश्वास लेके पुलिस को सुरक्षा दे करके बुला करके उनको उनके घर तोड़े गए। आप लोगों के सामने उपोषण तोड़ा गया। मिस्टर आशीष सेलार मुंबई अध्यक्ष बीजेपी, सुनील राणे इत्यादि लोग आए, आश्वासन दिया गया, मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कहा गया कि आपको घर दिया जाएगा, आप उपोषण तोड़ दो। हम लोग आश्वासन में पोषण तोड़ दिए। उनका मिंट्स बना, वो मिंट्स हमको मिला नहीं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या चोरी कोई किया होगा मैं नहीं जानता सच्चाई, लेकिन ये है कि आज तक नहीं मिला घर। तब जा करके तुकाराम काते साहब यहाँ से पैदल मोर्चा लेके गए। वहाँ मदान साहब सामने मीटिंग हुई, सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद क्लियर हुआ कहाँ इनका घर तोड़ा गया है, घर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग हैं, घर तोड़े 6 साल हो गया था, खाने ठिकाने भाड़ा कहाँ भरेंगे, लोग इधर उधर चले गए। सबका नंबर हमारे पास नहीं था, हमारी सोसाइटी पर नंबर नहीं था, हम बुला नहीं सके। जो लोग आए अपना फार्म लिए, फार्म भर के दिया गया, ये आश्वासन किया गया था कि फार्म भर के दीजिए, पात्रता आप दे दीजिए, अपात्र झोपड़े को मैं सरकार से दिलवाऊंगा, ये आशीष सेलार का कहना था। और हम लोग को आश्वासन देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, RPI और शिवसेना सभी लोग पक्ष वाले आए, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है अगर वो घर दे दूसरी सरकार अवहेलना करती है कि आप पैसे लेकर घर दिए हो, इसलिए सभी पक्ष लोग आए, सबका निर्णय हुआ और आज तक घर नहीं दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री साहब लेटर दिए, PWD मंत्रालय सबका लेटर आया, उसमें लिखा गया था उचित कार्रवाई करिए,
उचित कार्रवाई करने की वजह से वो लोग नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब लिख के दें, इनको घर दिया जाए। आज तक जो भी कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, यही लिखता उचित कार्रवाई कराइए, लेकिन वो भी एक कर्मचारी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फैसला है कि हमको मुख्यमंत्री साहब लेटर लिख के दे देवें, इनको घर दे दिया जाए, और जब ये लेटर दे देंगे तो हम उठ जाएंगे। लेटर देने के बाद प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर अधिकारी करेंगे, हम उठने के तैयार हैं, लेकिन जब तक नहीं लेटर मिलेगा तो हम नहीं उठेंगे। करो या मरो, एकदम तैयारी करनी है, क्योंकि रोज हर बार यही थोड़ी होगा। अधिवेशन चर्चा हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। परंत जवळ 7 वर्ष झालेले आम्ही याची धावपळ करत आहोत, आणि धावपळेमध्ये प्रत्येक मंत्र्याशी, प्रत्येक डिपार्टमेंटशी जे लोक मंत्री आहेत त्यांच्या संदर्भातले प्रत्येक मंत्र्याला आम्ही भेटलेलो आहेत। विनोद तावडे असेल, आशिष शेलार असेल, या मेहता, प्रकाश मेहता असेल, या सुनील राणे असेल, प्रत्येकाकडे आम्ही गेलेलो आहेत। प्रत्येकाने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की तुम्हाला आम्ही घरं देऊ म्हणून, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जे एक लेटर MMRDला पाठवलं आहे की त्यात उचित कारवाई, म्हणजे योग्य ते कारवाई करून यांना देण्यात यावे असं ते दिलेलं आहे। परंतु त्यांचं म्हणणं असं आहे की आपले पाटील साहेब यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही की यांना ताबडतोब पुनर्वसन करण्यात यावं, असं एक शब्द त्यामध्ये असावं तर आम्ही कारवाई करू। परंतु हे डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री साहेबाच्या अंडर असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा वेळ घेऊन त्यांच्या टेबलावरती फाईल आहे, त्यांनी ती फाईल योग्य ती तपासून करून MMRDला आदेश देण्यात यावे, एवढीच आमचं इच्छा आहे। 2011 आणि 2012 आमच्या या सगळ्या झोपड्या, 2000 लोकांच्या घरांचं जे आहे प्रश्न, तेव्हापासून आम्ही हा आमचं आंदोलन चालू आहे। ह्या आंदोलनामध्ये आम्ही भरपूर काही गोष्टी केल्या, शासकीय मंत्र्यांपासून तर शासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत आम्ही आमचं पूर्ण म्हणणं आमचं मांडलेलं आहे। आम्ही त्यांना सपोर्ट करत आलो, आमची चुकी हीच झाली की आम्ही त्यांना सपोर्ट करत आलो। वारंवार त्यांनी जे सांगितलं त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही त्यांना मदत करत गेलो, पण त्यांनी ह्या आमच्या मदतीचा त्यांनी आम्हाला फायदा न करता आम्हाला उलटं आमचं नुकसान करून दिलं। आज 7 वर्ष झाले आम्ही घर नसल्यामुळे इकडे तिकडे भाड्याने राहतो आहे, कुणी गावी गेलेले आहेत, कुणी काय आहे, सगळे इकडे तिकडे। आमची जी इथे राहणारी जी आमची युनिटी होती ती युनिटी दुसरीकडे गेली, आम्ही पांघरलो, आणि तरीसुद्धा आम्ही आमचे प्रयत्न चालू ठेवलेले आंदोलनामार्फत किंवा त्यांना लेटर देऊन आम्ही सगळं आमचं हे मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। 7 वर्ष झाले, पण ह्या सरकारचं आणि MMRDAच्या गलथानपणामुळं, ह्यांच्या गलथानपणामुळं ह्यांनी काय अजून ह्याचा काही सोक्षमोक्ष लावलेला नाही आहे। कारण का, MMRDAचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीसुद्धा असतानासुद्धा त्यांना पूर्ण तर डिसिजन अजून घेण्यात त्यांना इतकं का वेळ लागतो समजत नाही आहे। कारण सारे पेपर्स, सारे डॉक्युमेंट्स MMRDAकडे आहेत आणि मुख्यमंत्री हे त्यांचे अध्यक्ष आहेत, तरीसुद्धा त्यांचा निर्णय घेऊ शकत नाही, म्हणजे हास्यास्पद गोष्ट आहे। आता त्यांनी हा वेळ आलेली आहे की आता त्यांनी काहीतरी निर्णय देऊन आम्ही मरेपर्यंत उपोषण करणार आहे। त्याच्यापूर्वी त्यांनी काहीतरी निर्णय देऊन आम्हाला त्या गोष्टी आज आम्हाला पूर्ण त्याचं हे भेटलं पाहिजे। आमचं आम्ही आज 7 वर्षापासून MMRDAला चक्र मारतोय, मुख्यमंत्र्यांना भेटतो, पण आम्हाला नक्की काय हा निर्णय भेटत नाही। आम्ही उपोषणाला 2 वेळेस मी लेडीज असून बसले, कारण मला खूपच त्रास आहे की माझे मुलं बाळा इकडे तिकडे हिंडतात फिरतात, कोणी भाड्याने राहतात, कष्ट करणारे कोणी नाही, आणि आम्हाला तकलीफ खूप आहे। म्हणून मी वारंवार 2 वेळेस अशीच उपोषणाला बसले, 6-7 दिवसाचे बसले, आजही बसले, पण मुख्यमंत्र्यांचं MMRDAचं म्हणणं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी लिहून द्यावा, आम्ही तुम्हाला घरं द्यायला तयार आहेत, आणि MMRDAकडे गेलं की ते म्हणतात मुख्यमंत्री लिहून देत नाही, तुमचे घरच नव्हते, असे ते लोक का आम्हाला टाळाटाळ करत आलेत अजूनपर्यंत। पण आता आम्ही एकच निश्चय धरला की जोपर्यंत मुख्यमंत्री लिहून देत नाही MMRDAला की यांना घरं द्या म्हणून, तोपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही। लोक ऐसा मालूम नाही की घर मिलेगा या नाही आहे, पहिला उमेदवारी आहे, लेकिन किसी को मालूम नाही। कुछ लोग ऐसे की इधर उपोषण चालू है और पांजापुर झोपड़पट्टी ये मुद्दे पे चालू है, ये भी मालूम नहीं किसको ऐसा, और कुछ लोग को मालूम है, मालूम नहीं कि भाई फॉर्म बांट रहा है, घर मिलने वाला है, ये हिंद तक नहीं उनको, ताकि उन लोग का रहने का ठिकाना नहीं मुंबई में। अभी कोई आना है, मेरा घर टूटा है और मेरे को अभी इधर फॉर्म भरना है, तो मैं बॉम्बे आके किसके घर पे रहूँ, पहला तो उम्मीद ये है। और ऐसा है कि उन लोग का जब भी घर तोड़ा तो उन लोग का खाने पीने की नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, उम्मीद
उनको जीने की उम्मीद नहीं है, कहाँ रहना है अभी, फुटपाथ पे तो कोई आजकल बीएमसी भी वो हकाल देती है, भाई निकलो यहाँ से करके। पुलिस लोग की देखो 11 के बाद दिखेगा तो बोलेगा उठो इधर से, तुम्हारा जगह नहीं, तो कहाँ जाएगी पब्लिक? तो ऐसा छोड़ के बम्बई छोड़ के वो चले गए गाँव अपने अपनी, जिधर अपना रोजी रोटी का सवाल है उधर वो गई हो। तो ऐसे लोग रहे, अभी वो लोग बोलते कि 2000 का मुद्दा है, 2000 का मुद्दा है, फिर 900 में से 500 ही फॉर्म जमा है, 2000 में से 400 500 600 फॉर्म जमा है, बाकी लोग किधर है? तो वैसे लोग ये है जो बचे हुए फॉर्म जो है ना, तो जो गए हैं बॉम्बे छोड़ के गए ताकि सारा नहीं कुछ नहीं यहाँ पे मुंबई में, वैसे लोग अभी बचे हुए है और उन लोगों को पता भी नहीं कि फॉर्म दे रहे हैं, एमएमआरडी घर दे रहे हैं हमारे घर के बदले घर, ऐसा विषय है। इतनी समस्या हो रही है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को जिनके घर थे और वो बेघर हो गए, कहाँ रह रहे हैं वो लोग, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या काफी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बताएं हाल, हाल सुनाऊं क्या मैं तुमको, कैसा जमाना आया है, सच्चा दर दर भूखा भटके झूठा मौज उड़ाता है। इसकी मिज़दाक 2011 से 14 तक हमें इतना घुमाया गया झोपड़े तोड़ने के बाद में, हम लोग जब एमएमआरडी पहुंचे तो एमएमआरडी वालों ने पहले माले से लेके 5-6 माले तक हमको घुमा के 2-3 साल हमारा बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम मजबूर होके 14 में उपोषण बैठे, 14 में उपोषण में बैठ के उनको बताने के बाद वो कुछ बातों को मान करके उन्होंने फॉर्म भी इशू किया, इशू करके बोले कि तुम फॉर्म भरो तुमको घर मिल जाएगा। हम लोगों ने फॉर्म भी भरा, फॉर्म भरने के बावजूद दूसरे मसले पे आ गए, फिर फॉर्म इतने सही हैं इतने गलत हैं, खैर जो भी हैं जितने भरे गए उतना तो चालू करना चाहिए था, वो भी नहीं चालू किए। और बाद में हम परेशान होके किधर जाना क्या जाना सोच करके हम नेताओं के चक्कर में, पीएम बोलना चाहिए कि इनको घर दे दो, हर कोई घर देने के लिए, घर तो तोड़ा गया है मगर देने के लिए डर रहे हैं। ये क्या इनकी कार्रवाई है, क्या है, क्या ये करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम यही फैसला करके आज बैठे हैं, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा हमें हक वालों को घर नहीं मिलेगा, जिनका घर तोड़ा गया उनका घर उन्हें नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक हम उठने वाले नहीं, अमरन उपोषण यहीं पे हम जिएंगे और यहीं पे मरने का फैसला करके बैठ गए हैं। हमें घर मिलना चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं। यहाँ जो भी हादसा होगा इसके जिम्मेदार डायरेक्ट है ना हुकूमत होगी और देवेंद्र फडणवीस जी होंगे सीएम। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।